आई एम योर मैथ्स टीचर। आपके लिए फिर से कुछ मैथ्स के टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज भी हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका, कंप्लीट द नंबर ग्रिड बाई राइटिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको काउंटिंग के थ्रू सारे मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। अब इसको कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 1 को हाइड कर दो। जब आप 1 को हाइड करोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, 11। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब जो आप लोगों ने 1 को हाइड किया था ना, उसको शो करना है और सारे डिजिट्स के आगे 1 लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ किया है 1, 1, 1, 1। इसी तरीके से मैंने सारे डिजिट्स के आगे 1 लगाया है। अब इसको कैसे रीड करना है, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। नेक्स्ट आप लोग का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग को 2 को हाइड करना है और 11 के बाद वाले नंबर को लिखना है, 12, 13, 14, 15, 16, और फिर से जो 2 को हाइड किया गया था उसको शो करना है और सारे डिजिट्स के आगे 2 लगा देना है, 211, 212, 213, 214, 215, 216। आप लोग ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे सेम प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सारे सेम प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, तो आप लोग इसको घर पे बैठ के बनाओगे। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग क्लास 1 की कॉपी का यूज कर सकते हो या फिर कोई भी नई कॉपी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, राइट द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन प्रॉपर कॉलम एंड देन राइट दियर नंबर नेम्स। यहाँ पर नंबर्स को प्रॉपर कॉलम में डालना है और उसके बाद उसका नंबर नेम्स लिखना है। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर 104 इसका कॉलम मैंने आपको दिया है, 1s, 10s और 100। किसी भी नंबर्स का जब हम कॉलम डालते हैं तो उसे राइट हैंड साइड से डालते हैं। राइट हैंड साइड मतलब जो जिस हाथ से हम लोग काम करते हैं वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। यहाँ 1s के प्लेस पे मैंने 4, 10s के प्लेस पे 0 और 100 के प्लेस पे 1 दिया है। अब इसका नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे, तो 1 किसके प्लेस पे था, 100 के प्लेस पे, इसलिए यहाँ मैंने 1 के साथ 100। और जब भी हम लोग 10s और 1s को रीड करते हैं तो एक साथ रीड करते हैं, इसलिए यहाँ मैंने 4 लिखा है। यहाँ 0 के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर के आगे लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 249, यहाँ भी मैंने कॉलम दिया है 1s, 10s और 100। 1s के प्लेस पे 9, 10s के प्लेस पे 4 और 100 के प्लेस पे 2। नंबर नेम्स 200 के प्लेस पे था, इसलिए 200 और 10s और 1s को एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए 49। यहाँ पे आप लोग ये एक्सरसाइज को आप लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको कर सकते हो। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद
ये सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। देखिए मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट द न्यूमेरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। अब हम लोग को नंबर नेम्स से न्यूमेरल्स बनाना है। पहले तो हम लोग न्यूमेरल्स से नंबर नेम्स बनाए थे, अब हम लोग को नंबर नेम्स से न्यूमेरल्स बनाना है। इसके लिए भी मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट था आपका 329। 300 के लिए मैंने यहाँ 300 लिखा है और 29 के लिए यहाँ 29 नंबर में लिखा है, और इन दोनों को जब ऐड किया गया तो ये क्या बनता है, 329, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया है। 329 इक्वल 329। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है 605, 600 के प्लेस पे 600 और 5 के प्लेस पे 5, और ये क्या बन गया 605। इसका भी मैं आपको वीडियो क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड ऑन इट्स प्लेस और पोजिशन इन अ नंबर। किसी भी प्लेस वैल्यू का जो नंबर होता है वो उसके पोजिशन पे डिपेंड करता है, जैसे वो वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है या फिर 100 के प्लेस पे है, वो उसके पोजिशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस एंड फेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। जीरो का प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होता है। इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। यहाँ मैंने सबसे पहले इसका प्लेस दिया है वंस, टेंस और हंड्रेड। 400 के प्लेस पे था इसलिए मैंने यहाँ 400 लिखा। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि 4 के नीचे तो मैंने 4 लिखा और बाकी सारे प्लेस पे मैंने यहाँ 0 लगाया, क्योंकि 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है, और 400 मतलब 4 में 2 0 6, 6 मल्टीप्लाई विथ 10, तो यहाँ पे मैंने 6 के आगे एक 0 लगाया है क्योंकि 60 होता है, और 3 वंस के प्लेस पे इसलिए यहाँ वंस के प्लेस पे मैंने यहाँ 3 लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको लिखने के बाद भी समझाया है, द डिजिट 4 इज एट 100 प्लेस सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 400। डिजिट 4 जो है वो 100 के प्लेस पे है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 400। डिजिट 6 इज एट 10 प्लेस सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 610। ये 6 के प्लेस पे है, 6 टेंस के प्लेस पे है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 60 होगा। और डिजिट 3 जो है वो वंस के प्लेस पे है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। यहाँ पे फिर मैंने आपको बनाना कैसे है वो दिखाया है। नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी इन द नंबर। फेस वैल्यू जो होता है वो खुद डिजिट ही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर वो वंस के प्लेस पे 3 है तो उसका फेस वैल्यू भी 3 ही होगा, और टेंस के प्लेस पे भी 3 है तो उसका फेस वैल्यू भी 3 होगा, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया है। 2 के लिए 2, 4 के लिए 4 और 7 के लिए 7। फेस वैल्यू जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अब एक्सरसाइज 1.4 में इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ इन सर्कल डिजिट। यहाँ पे जो सर्कल डिजिट है उसका आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पे 9 सर्कल डिजिट था
तो 9 का तो फेस वैल्यू 9 ही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, और 9 जो है वो वंस के प्लेस पे होता है, तो 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा। और यहाँ पे 694 था, तो 9 का फेस वैल्यू 9, और जब 9 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये 90 आता है। 200 मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, और अगर प्लेस वैल्यू 0 है तो फेस वैल्यू भी 0 होगा। तो यहाँ 0 सर्कल डिजिट था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ 0 और 0 शो किया है। इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद अच्छे ढंग से इसको अपनी कॉपी में बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। अब सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है, ये मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ 5 वंस के प्लेस पे था तो 5 1 जा 5, 4 टेंस के प्लेस पे था तो 40, 1 के प्लेस पे था तो 100। मैं इसका एक इजी ट्रिक आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए, 5 जो है 5 के आगे कोई नंबर नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल 5 लिखा। यहाँ आप लोग 4 के आगे देखोगे एक नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ एक जीरो लगा दिया, और यहाँ 1 के आगे 2 नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ 2 जीरो लगा दिया, है ना, बिल्कुल इजी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट आर गिवेन, कैन यू राइट द नंबर। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू हम लोग को दिया गया है और उससे हम लोग को नंबर लिखना है, तो इसके लिए हम लोग को नंबर को सबसे पहले अरेंज करना होगा और उसके बाद इसको ऐड करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। यहाँ पे मैंने नंबर को अरेंज कर दिया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 के प्लेस पे था, 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 10 के प्लेस पे था, 8 को 100 से किया क्योंकि ये 100 के प्लेस पे था, और सारे को डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा, फिर उसके बाद टेंस, 100 के बाद आता है तो टेंस के प्लेस पे जो था वो लिखा, और वंस के प्लेस पे जो था वो लिखा, और तीनों को ऐड किया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। सो बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, डू योर वर्क एट होम, बाय।